हाय चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट सेशन में हमने देखा था ये पेन का हम कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। आज चलो हम इस पेन से कुछ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स ड्रॉ करते हैं। सपोज मुझे एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इवेंट लेते हैं। इवेंट में क्लिक, सबसे पहले स्प्राइट को यहाँ रख देते हैं। मुझे स्प्राइट को मूव करना है 100 स्टेप्स। सो 100 स्टेप्स मूव किया, ये देखिए, ठीक है। सो ये मूव हुआ, देन फिर मुझे उसको टर्न करना है, ठीक है। तो मैंने इसको टर्न 90 डिग्री टर्न कर दिया। सो ये पहले आगे बढ़ेगा, देन 90 डिग्री टर्न होगा, ठीक है। वापस इसको चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल पोजीशन ले आते हैं इसकी, यहाँ पे 90 डिग्री, और इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। और अभी सेम सेम हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये वापस टर्न करेगा, और फिर सेम रिपीट करूंगा ये मैं 4 टाइम्स। सो ये 1, 2, 3 और 4 टाइम रिपीट हो गया, ठीक है। और ये इसको हम 90 डिग्री यहाँ पे रख देते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वर्क हुआ, बट इतना फास्ट हुआ कि मैं नहीं दिखाई दिया। सो हम क्या करेंगे, इसको वेट कर देते हैं फॉर 1 सेकेंड एवरी टाइम। सो एवरी टाइम 1 सेकेंड का वेट देंगे तो वो कैसे मूव हो रहा है आपको पता चलेगा, ठीक है। कभी भी कुछ लॉजिक समझना हो तो वेट दे दो तो पता चलेगा। 1, 2, 3, 4, बट ये कुछ ड्रॉ तो हुआ नहीं रेक्टेंगल। सो यहाँ पे हमें काम आएगा पैन। मैंने क्या कर दिया, पैन डाउन, जहां जहां ये मूव होगा वहां वहां पे आपका ड्रॉ होगा, और ये आपका रेक्टेंगल रेडी हो गया। अब इस स्प्राइट का कोई काम नहीं है तो हम यहाँ पे उसको हाइड कर सकते हैं। लुक्स में आप हाइड का ऑप्शन है, यहाँ जाके इसको हाइड को ले लो, और ये हम इसको अगर वापस ड्रॉ करना है तो हम इरेज ऑल कर देते हैं, ताकि पहले अगर कुछ भी स्क्रीन पे ड्रॉ है तो वो क्लियर हो जाएगा, और पेन अगर कुछ अप है तो डाउन हो जाएगा, देन स्टेप्स मूव करेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल। सेम वैसे हम एक और बनाते हैं, यहाँ पे ऑन प्रेस हमें सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये सर्कल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें इसको मूव भी करना है और रोटेट भी करना है, मूव भी करना है और रोटेट भी करना है। सो ये हमें एक सर्कल बनाने के लिए टोटल हमें कितना डिग्री मूवमेंट चाहिए सर्कल बनाने के लिए, 360 डिग्री। सो 360 डिग्री अगर रोटेट हमें करना है तो 360 टाइम्स हमें मूव एंड रोटेट करना है। सो हम उसको बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल में रिपीट कमांड का यूज करेंगे, और कितने टाइम यूज करेंगे, 360 टाइम्स, और एवरी टाइम 1 स्टेप मूव करेंगे और 1 स्टेप रिटर्न करेंगे। और ये जो अपना स्प्राइट है वो विजिबल नहीं है बिकॉज हमने लास्ट टाइम हार्ड हाइड कर दिया था। सो मैं इसको शो कर देता हूँ। सो जैसे मैं स्पेस प्रेस करूंगा, ये देखिए, बट ये मैंने एक बाय मिस्टेक डिग्री कितना मूव कर दिया, 15 कर दिया। सो हमें डिग्री 1 मूव करना है, और स्टेप जो है मैं ज्यादा मूव कर देता हूँ 10। सो ये देखिए, ओ बहुत बड़ा हो गया। सो 10 स्टेप बहुत ज्यादा है, सो मेक इट 2 स्टेप।
टू स्टेप किया, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो पेन है उसको इरेज ऑल कर देते हैं, राइट। चलिए ये देखिए, बट हमारा स्प्राइट जो था उसका एंगल प्रॉपर नहीं था, सेंटर में नहीं था, इसके लिए वो अब प्रॉपर सर्कल ड्रॉ नहीं ड्रॉ हुआ है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। हम उसको यहाँ सेंटर में ले लेते हैं या फिर अप ले लेते हैं और फिर वापस से ट्राई करते हैं। ओके, ये आपका एक प्रॉपर सर्कल ड्रॉ हो गया। तो यही कमांड को आप सेम चेंज करके आप बना सकते हैं और छोटा बना सकते हैं। मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। ऑन स्पेस की जगह आप प्रेस अप एरो, और मैं ये जो कमांड्स है यही सारे यहाँ पे हम रिपीट में ले लेंगे। और हमें एक अगर रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो हमें कितनी बार हमें मूव होना पड़ेगा? 4 टाइम्स, है ना? बिकॉज 1, 2, 3 और 4, 4 टाइम होना पड़ेगा ना। ट्राई करके देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 टाइम्स बार बार आप ये कोड लिखते हो, बेटर है कि इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं। बेटर इस कोड को आप रिपीट 4 कर दो और इसको 1 टाइम ही इस कोड को यहाँ पे आप टाइप करो। और ये जो इरेज और पेन डाउन है, ये हमें रिपीट में नहीं रखना है, बिकॉज इरेज 1 टाइम करना है और पेन डाउन भी 1 टाइम करना है। जब भी मैं एरो पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, ये क्यों स्प्राइट विजिबल नहीं है? बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम जब रन किया था तो हाइड कर दिया था। हम यहाँ पे इसको शो पे क्लिक कर देंगे। तो अब वापस ट्राई करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और ये क्यों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमारा जो स्प्राइट है वो -90 डिग्री है, वो पोजीशन ये वाली पोजीशन में है, इसके लिए वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम उसको +90 दे देंगे तो ये ऐसे पोजीशन में रन होगा। आप स्प्राइट को क्या पोजीशन देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसको हाइड कर दिया है, इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको आपको शो कर देते हैं, आपको दिखेगा 1, 2, 3 एंड 4। हम ये भी कर सकते हैं कि एवरी टाइम पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम एक ऑप्शन और सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके पॉइंट टू डायरेक्शन 90। तो अब एवरी टाइम वो पहले 90 डिग्री पे, 90 जो डायरेक्शन है, 90 डिग्री एंगल ऐसे सीधा वहां पे आएगा और देन फिर वो रन होगा। और जो उसकी पोजीशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं बाय एक्स और वाई। हम बोल देते हैं इसको बाय एक्स और वाई 0 एंड 0 पे आप आ जाइए। ये सबसे पहले स्प्राइट 0 0 पोजीशन पे आएगा, 90 डिग्री अपनी जो स्ट्रेट पोजीशन है वो लेगा, और देन फिर जो भी ऑलरेडी है डेटा उसको डिलीट करेगा, देन एक स्क्वायर को ड्रॉ करेगा। देखिए, ओके, ये आपका है स्क्वायर बन गया। सेम वे से अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको यही कमांड को हम डुप्लीकेट कर देते हैं, और इसी से मैं आपको सिखा देता हूँ। ये मैंने एरो अप की जगह मैंने एरो डाउन को सिलेक्ट कर लिया, और मुझे वही शो करना है, पोजीशन भी चेंज करनी है, बट दिस टाइम रिपीट 2 टाइम्स करना है। बिकॉज 1, ये आपका 1 हो गया, फिर ये आपका सेकेंड हो गया। मूव 100, 100 की जगह यहाँ कर देता हूँ 200, और 90 डिग्री रोटेट हो जाए। और यही मूवमेंट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 200 की जगह यहाँ पे 100 कर देता हूँ। कैसे वर्क करेगा? पहले 200 ड्रॉ करेगा, देन 90 डिग्री मूव करेगा, फिर 1 सेकेंड वेट करेगा ये हमारे समझने के लिए, फिर सिर्फ 100 स्टेप ही बढ़ेगा। मतलब यहाँ सिर्फ, यहाँ 200 बढ़ेगा, यहाँ सिर्फ 100 बढ़ेगा, देन 90 डिग्री मूव होगा, देन वापस ये प्रोसेस रिपीट होगा सेम। ये ऐसे और ऐसे ड्रॉ होगा। ट्राई करें, ये देखिए, वाह, ये हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे शेप्स है
जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ और आपको मैं शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको ड्रॉ करके बताऊंगा रिपीट कमांड और उसके थ्रू, सो आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाय, गुड बाय।